दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी रू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। अब आगे बात करते हैं जहाँ पे अबू धाबी T10 लीग मैच नंबर 15 और 16 की। तो पहले बात करते हैं मैच नंबर 15 की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली बुल्स और मॉन्ट्रियल सैंपानी के बीच में। यह पॉइंट टेबल नंबर 1 और नंबर 2 का मैच है। अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो अबू धाबी के पिच स्लो है, स्पिन बॉलर्स को यहाँ बॉलिंग करने में हेल्प मिलेगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो मौसम थोड़ा क्लाउडी रहेगा, ह्यूमिडिटी 60% रहेगा, क्लाउड 20% और टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दिल्ली बुल्स टीम का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने अपने पहले 2 मैच में जीत हासिल की, टीम की बैटिंग उसकी ताकत है। जॉनसन चार्ली जो टीम के टॉप परफॉर्मर है, अब तक 2 मैच में उनके नाम 76 रन है। कैप्टन की बात करें तो रोहन पॉल टीम के दूसरे लीडिंग रन स्कोर है, 2 मैच में 66 रन उनके नाम है। अगर ओपनर की बात की जाए तो डीकॉक टीम को अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें तो डीजे ब्रावो जो टीम के प्लस पॉइंट है, लास्ट मैच में टीम के सभी बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, विकेट भी निकाले थे। अगर वहीं फजल फारूकी ने 2 विकेट लिया था, रिचार्ड ग्लेसन भी यहाँ इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो नवीन उल्हक को 2 विकेट मिला था, डीजे ब्रावो भी टीम के लिए विकेट निकाल सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, चलते हैं की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे डीकॉक हैं, रोवन पॉवेल है और डीजे ब्रावो है। अब आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल सैंपानी का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम अपने 3 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट टेबल नंबर 2 पे है। टीम के टॉप परफॉर्मर की बात करें तो फैब डुप्लेसी जिन्होंने 3 मैच में 68 रन बनाए। वहीं ओपनर की बात करें तो एंड्रेस गॉस है, फैब डुप्लेसी जो फॉर्म में है। मिडिल ऑर्डर में मोइन अली है, नजीबुल्ला और करीम जनात है। ऑलराउंडर की बात करें तो जेसन होल्डर जो टीम के प्लस पॉइंट है, बॉलिंग टॉप परफॉर्मर मोइन अली जिन उन्होंने 4 विकेट लिया था, कशिश अहमद ने अब तक 4 विकेट लिए हैं। बॉलिंग टीम की स्ट्रॉन्ग है, पीटर होटलू विकेट लेस थे, करीम जनात यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात की जाए तो फैब डुप्लेसिस है, मोइन अली है, जेसन होल्डर है। दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कस करी, तो फॉर्म को देखते हुए आज का मैच मतलब दिल्ली बुल्स हो सकता है। अब बात करते हैं मैच नंबर 16 की, जो कि खेला जाएगा बंगला टाइगर और नॉर्थन वॉरियर के बीच में। दोनों टीम्स इस समय पॉइंट टेबल नंबर 4थे और 5वें पोजीशन पे है। अब अगर बात करते हैं नॉर्थन वॉरियर का स्वाट एनालिसिस करते हैं, तो टीम के टॉप परफॉर्मर हजतुल्ला जजाई ने जिन्होंने 2 मैच में 72 रन बनाए, कैनवर लेविस ने 2 मैच में 64 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो जो कि एडम होज है, मुनरो है, कैप्टन मैथ्यू जो फिनिशिंग के लिए जिमी निशन को ला सकते हैं। अगर टीम के लीडिंग विकेट टेकर कैप्टन मैथ्यू उन्होंने अब तक 4 विकेट लिए। बॉलिंग यूनिट में बात करें तो लास्ट मैच में अच्छा खेली वह अभिमन्यु मिथुन ने अब तक 3 विकेट लिया और जिमी निशन ने भी 2 विकेट लिया। स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो तबरेज शम्सी और अजतुल्ला भी विकेट निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं की प्लेयर देखते हैं, तो यहाँ पे मैथ्यू हैं, जिमी निशन है और कैनमर लेविस है। बात करते हैं, चलते हैं बंगला टाइगर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो टीम अभी तक 2 मैच में से 1 मैच जीती है और 1 में हारी है। बैटिंग में जॉर्डन कॉस टीम के लीडिंग रन स्कोर हैं, 2 मैच में उनके बल्ले से 128 रन निकले हैं। यहाँ पे क्रिस लिन अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, कुशल मेंडिस को रन बनाना होगा, किलर मिलर को यहाँ पे कमाल कर सकते हैं। फिनिशिंग में कार्लोस ब्रेथवेट हैं, डैनियल सैम्स है। टीम की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग में जोशुआ लिटिल जो टीम को लीड करेंगे, जहाँ पे डैनियल सैम टीम के प्लस पॉइंट है। डोमिनिक ड्रेक्स टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात की जाए तो कुशल मेंडिस है, डेविड मिलर है, जॉश लिटिल है। तो बात करते हैं, चलते दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस के देखते हैं, इस मैच का विनर बंगला टाइगर हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कस कर ली, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे क्या बात करते हैं। अगर आपको तीसरे मैच यानी मैच नंबर 17 का मैच एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन जानना है तो हमारे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।